الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدر محترم دیگر محقر علماء اسٹیج پر تشریف فرما علاقے کے باوقار معزز احباب ادھر ادھر سے اور قرب و جوار سے دور و دراز سے آس پاس سے آئے ہوئے محترم سامعین حضرات پیاری ماں اور بہنوں
कासिम नगर, लखीपुर, कलियाचक डिस्ट्रिक्ट मालदा का ये प्रोग्राम दो रोज़ा है। 21 और 22 दिसंबर आज उसका पहला दिन है। कई दिन पहले ये प्रोग्राम की डेट ली गई थी, अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहा आलमीन जिस मकसद के तहत ये प्रोग्राम रखा गया है हमें उस मकसद के अंदर कामयाबी अता फरमाए। इस जलसे को समाज और इलाके की इस्लाह का ज़रिया बनाए। और हमें कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। इस्लामी मुआशरा कैसा होना चाहिए और उस मुआशरे के अंदर हमारी ज़िम्मेदारी कैसी होनी चाहिए, ये वक्त का एक अहम मौजू है। एक महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर हमको, हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को बहुत कुछ सोचना है। इस्लाम तो वो मज़हब है जो गैरों के साथ भी अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है। इस्लाम तो वो मज़हब है जो एक कुत्ते पर रहम करने वाली औरत को, जो बद किरदार थी, बद चलन थी, करैक्टर लूज थी, कुत्ते पर रहम करने वाली औरत को भी जन्नत की बशारत सुनाता है। एक औरत बड़ी नमाजी थी, रोज़दार थी, इबादत गुजार थी, लेकिन एक बिल्ली पर जुल्म करने की वजह से जहन्नम की हकदार हो गई। तो खुद जो इस्लाम जानवरों के साथ रहम का बर्ताव करने पर जन्नत की खुशखबरी देता हो, गुड न्यूज़ देता हो, वो आपस में एक दूसरे के मामलात और लेन देन के ऊपर कितना ज़ोर देता होगा। आपस में एक दूसरे की मदद करने पर कितना ज़ोर देता होगा, ये हमें और आपको सबको सोचना चाहिए। कुरान करीम की आयत है, उसको सुनिए। إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم। बहुत छोटी सी आयत का एक टुकड़ा है, पूरी आयत भी अभी नहीं हुई है, सिर्फ एक टुकड़ा है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है। बहुत बड़ी बात कह दी गई है। आज की मेरी तकरीर, आज का मेरा भाषण सिर्फ इसी टुकड़े पर चलेगा। हमारे मुआशरे में क्या क्या बुराइयां हैं इस पर कल इंशाअल्लाह। हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं उस पर आज। इन्नमल मुमिनून इख्वा, दुनिया के सारे मुसलमान
अल मोमिन इन्नमल मोमिन, अल जो लगा हुआ है वही जिंसियत का, सारे मोमिन चाहे वो यहाँ के हों या सऊदी के हों, अफ्रीका के हों, इंडोनेशिया के हों, दुनिया के किसी भी खित्ते के हों, सबको क्या कहा, इन्नमल मोमिनून इख्वा, सब भाई हैं। इसका ये मतलब नहीं कि गैर मुस्लिमों को अल्लाह ताला ने अलग कर दिया है, नहीं, उनको भी भाई कहा है। एक बाप और एक माँ का बेटा होने की हैसियत से, ईमानी रिश्ते से हमारे भाई नहीं है क्या यार? कल से ही औरतों का इंतज़ाम यहाँ नहीं होना चाहिए, बहुत दूर करिएगा, करिएगा ही नहीं, अपने घरों से सुनेंगे, ये नहीं रह पाएंगे, आज खामोश बैठ ही नहीं सकते, इतना नज़दीक कर दिया आप लोगों ने। वहाँ आदमी मर्द लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ जाइए थोड़ा सा देखिए, कोई जिम्मेदार जो वॉलंटियर लोग हैं। गैर मुस्लिमों को भी भाई कहा है, लेकिन एक बाप और एक माँ का बेटा होने की हैसियत से, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगो तुम सब एक बाप की और एक माँ की संतान हो, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, यानी तुम आदम के बेटे और हव्वा के बेटे हो। वॉल्यूम कम हो रहा है इसमें भाई, ये कान वाला हमें बहुत डिस्टर्ब करता है यार, इसको कहीं और रख दीजिए, उसको भी हम जेब में रखें, इसको भी कान में लगाएं, उतना बड़ा बोझ हम नहीं उठा पाएंगे। इधर लाइए तो यहाँ कहीं रखिए, अब लेके बैठेंगे हाथ नहीं लगेगा जब चलेगा, अभी तो स्पीड थोड़ी बड़ी है मेरी, क्या यार। इन्हीं चीज़ों में तो बम बम होते हैं, टाइम बम से पड़ जाते हैं। होने लगा उलझन। हाँ, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, संपूर्ण कायनात विश्व पूरे वर्ल्ड के लोगों से कहा गया, तुम सब का बाप एक है आदम, वेदों में आशु, और एक ही माँ है हव्वा, वेदों में शत्रुघ्न, तुम सब उसके बेटे हो। तो जाहिर है जब माँ एक है बाप एक है तो हम सब भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो भाई। लेकिन कुरान की इस आयत में ईमानी रिश्ते के साथ जो लोग जुड़ चुके हैं उनको ईमानी भाई कहा गया है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, वर्ल्ड पूरे विश्व में जहां भी मुसलमान है, काला गोरा अमीर गरीब किसी भी किस्म का हो, वो तुम्हारा भाई है। और आगे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, अगर दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाए, दो भाइयों के बीच में अगर किसी बात में इख्तिलाफ हो जाए, निजा हो जाए, झगड़ा हो जाए, और वो दोनों बात करना बंद कर दें, आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करना बंद कर दें, तो समाज की जिम्मेदारी यह है, कौम की जिम्मेदारी यह है, उस समाज में जो लोग रहते हैं रहने दें, अगर उन दोनों में कभी इख्तिलाफ हो जाए, कभी
अपने दिमाग में सोचिएगा कितने लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से नहीं बोलते, कितने लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से लड़ते हो और आज तक जो चल रही आपस में तो छोड़िए रिश्तेदार में नहीं होगी, बहुत से तो ऐसे होंगे कि बाप बेटे से नहीं बोल रहा होगा, बेटा बाप से नहीं बोल रहा, बहुत से तो ऐसे होंगे कि जमीन और जायदाद के मामले में एक बेटा बाप से खुश होगा, दूसरा बेटा बाप से नाराज होगा और नहीं बोल रहा होगा। अल्लाह तो ये कहता है दो मुसलमान भी किसी मुआशरे में आपस में भाई भाई है वो अल्लाह ना रहे, ये समाज की जिम्मेदारी है, कौम की जिम्मेदारी है कि उन दोनों के बारे में जब सुने कि लोग अलग अलग हैं तो उन दोनों को जोड़ दें, बिठा के तस्बीह कर दें, उन दोनों को भले बना दें, जो भी गलत फहमियाँ हैं उसको आपस में बैठा कर दूर करके उन दोनों के दरमियान सुलह पैदा करें। और माशरे में एक साथ रहे, और जब मुसलमानों में इत्तेफाक हो जाएगा, इत्तेहाद हो जाएगा, और जब कोई अपने किसी भाई को दो मील से ज्यादा छोड़ेगा नहीं, उससे लाई नहीं रखेगा, तो जाहिर है कि समाज जब एक होगा तो मजबूत होगा, और जब मजबूत होगा तो उसकी ये चीज मजबूत होगी। फिर हम ये नहीं सोचेंगे, अभी तो यह हाल है कि हम ही है कि नहीं है, अभी आने वाले इलेक्शन में देखिएगा, कोई कांग्रेस की तरफ भागेगा, कोई टीएमसी की तरफ भागेगा, कोई किसी और की तरफ भागेगा, कोई कहेगा कि हमारी अपनी पार्टी आ रही है हम इसकी तरफ जाएंगे, हमारे अपने हैं इनको भी मौका मिलना चाहिए। ये उसी ना इत्तेफाकी का नतीजा है, हम एक नहीं है, हमारे दरमियान इत्तेहाद नहीं है, हम माशरे में मजबूत नहीं है, हम किसी को काम करते हुए देखते हैं तो उसकी और हेल्प नहीं करते बल्कि ये देखते हैं कि ये आगे कैसे बढ़ रहा है, हम अपनी परेशानियों से इतना परेशान नहीं है जितना दूसरे की खुशी से हम परेशान हैं कि उसकी दुकान हमसे ज्यादा क्यों चल रही है, और इस चीज में हम बहुत पीछे कर रहे हैं। ट्रेन में सफर करते हैं, कभी आपने भी किया होगा, हमारी सीट इधर, एक दूसरे मुसलमान भाई की सीट हमारी सीट के सामने आमने सामने, ट्रेन चल रही है, एक दो घंटे के बाद दोनों के दरमियान गुफ्तगू शुरू हो जाती है, साहब आप कहां जा रहे हैं, उसने जवाब दिया कलकत्ता, आपने भी कहा अच्छा कोलकाता जा रहे हैं जी, कोलकाता बहुत अच्छा है, मैं भी जा रहा हूं, वो आपका रिश्तेदार नहीं है, आपका भाई नहीं है, सगा हकीकी आपसे उसकी कोई शनासा ही नहीं है, आपने उसको कभी देखा नहीं है, ट्रेन में पहली मुलाकात है, आप दिल्ली से हैं वो बंगाल से, आप बंगाल के थे आप बिजनेस के लिए दिल्ली गए, वो दिल्ली का है वो बिजनेस के सिलसिले में कोलकाता जा रहा है, दोनों मुसलमान भाई हैं, वो दिल्ली बिजनेस के लिए आया, अपना काम समेट कर कपड़ा अपना खरीद कर अब वो कोलकाता जा रहा है, आप भी उसी ट्रेन में बैठ गए, आप कोलकाता से कुछ सामान लेने जा रहे हैं जो आपको दिल्ली में बेचना है, दोनों एक दूसरे क्या अपने सामने ट्रेन में बैठे हुए सफर शुरू हो गया, एक दो घंटे तक खामोशी रही, ना आप उससे बोले ना वो आपसे बोला, दो तीन घंटे के बाद गुफ्तगू शुरू होती है, साहब आप कहां जा रहे हैं, उसने कहा कोलकाता, फिर उसने पूछा आप कहां जा रहे हैं, साहब मैं भी कोलकाता,
चलिए एक ही जगह पर सफर करते। आपका नाम साहब मोहम्मद आसिफ, आपका नाम जी मोहम्मद नसीम, दोनों की आपस में गुफ्तगू शुरू होती है। अब इत्तेफाक के लिए थोड़ी सी और बात आगे बढ़ी है, साहब आप कलकत्ता में किस जगह जाएंगे? उसने कहा मैं वहीं का रहने वाला हूँ कोलकाता का, और मुझे कोलकाता में मटिया बुजुर्ग जाना है। आपने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी मटिया बुजुर्ग से सामान खरीदना है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। गुफ्तगू ने रंग बदला, थोड़ी सी और माहौल थोड़ा सा और खुला। अभी तो सिर्फ कलकत्ता तक साथ था, मटिया बुजुर्ग तक साथ हो गया। चाय बेचने वाला आता है पेंट्री कार से, कभी उसने आपको चाय पिलाई, कुछ दूर के बाद आपने उसको चाय पिलाई, सफर और आगे बढ़ता है। अब दोनों में इतनी शनासाई हो जाती है, इतनी दोस्ती हो जाती है कि किसी स्टेशन पर आप पानी भरने के लिए उतरते हैं, गाड़ी रुकती है, आप उससे कहते साहब मैं पानी भरने जा रहा हूँ, आप अपनी बोतल मुझे दे दीजिए, मैं आपकी बोतल में भी पानी भर लाऊंगा। उसने आपको अपनी पानी की बोतल दे दी, आपने उससे कहा साहब ये सामान मेरा है, जो बर्थ के नीचे है आप उसकी देख रेख करते रहना, ठीक है? आप उसके लिए पानी भरने जा रहे हैं, वो आपके सामान की देख रेख करता है। कभी किसी स्टेशन पर वो उतरता है तो आप उसके सामान की देख रेख करते हैं, और फिर ये दोस्ती एक गहरी दोस्ती में बदल जाती है, ये सफर एक गहरी दोस्ती में बदल जाता है। आपने उसका मोबाइल नंबर ले लिया, उसके आपका मोबाइल नंबर ले लिया, फिर कलकत्ता उतरने के बाद एक टैक्सी में बैठ के मटिया बुजुर्ग जाते हैं। ये एक मिसाल दी है मैंने समझाने के लिए, जब 24 घंटे के इस सफर में आपको जो माहौल मिला, उस माहौल ने आपको एक दूसरे का हमदर्द बना दिया है। जब वो स्टेशन से उतरता है तो आप उसके सामान की देखरेख करते हैं, जब आप उतरते हैं तो वो आपका सामान की देखरेख करता है, निगरानी करता है। इस मजबूत रिश्ते ने आपको इतने अच्छे मकाम पर पहुंचा दिया है कि उसके सामान पर अगर कोई हमला करे या चोरी करे तो आप सीना तान कर खड़े हो जाते हैं कि ये मेरे भाई का सामान है। आपके सामान पर अगर कोई गलत नजर डाले तो वो उसकी हिफाजत करता है, वो उसकी हिफाजत करता है। मेरे भाइयों, ये चंद घंटों के सफर में जब आपका ताल्लुक ये हुआ, कुरान हमें यही कहता है इस्लामी मुआशरा ऐसा ही होना चाहिए, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से चंद घंटों के सफर में एक दूसरे की जान और माल का मुहाफिज हो जाता है, तो जिस मुआशरे में तुम रहते हो, जिस सोसाइटी में तुम रहते हो, उस सोसाइटी के अंदर भी एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की इज्जत तो आबरू की हिफाजत करना है। एक मुसलमान के ऊपर दूसरे मुसलमान का नाजायज तरीके से माल पर कब्जा करना हराम है, उसके माल को नाजायज तरीके से खाना हराम है, उसको नाजायज तरीके से सताना हराम है, उसको नाजायज तरीके से मारना हराम है। इसलिए फरमाया सफर की तरह जब चंद घंटों में तुम आपस में एक हो जाते हो और एक दूसरे की जान और माल के मुहाफिज हो जाते हो, तो जिस मुआशरे में, जिस सोसाइटी में, जिस गांव में, जिस शहर में तुम रह रहे हो, उस शहर के अंदर इस्लामी मुआशरा ऐसा होना चाहिए कि एक आदमी को तकलीफ पहुंचे तो उसका दर्द तुम्हें अपने दिल के अंदर महसूस करना चाहिए, आपको तकलीफ पहुंचे तो उसे उसका दर्द महसूस होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, एक मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए। आपका एक नौकर है, आप उसको हुक्म देते हैं पानी भर के ले आओ, पानी ले आता है। आप उसको कहते हो मेरे मेहमान आए होटल पे से, चाय ले आओ, तो चाय ले आता है। आज आपका नौकर घर में आया हुआ है लेकिन उसके कान के अंदर शदीद दर्द है, उसके कान के अंदर बहुत तेज दर्द है और वो दर्द की वजह से बेचारा लेटा हुआ है, कान के अंदर दवा डाले हुए हैं लेकिन दर्द की वजह से तड़प रहा है। अब आप अपने बिस्तर पर बैठे हुए हैं, अब आप अपने नौकर को हुक्म नहीं दे रहे हैं, जानते हैं कि मेरा नौकर बिस्तर पर लेटा हुआ है, उसके कान में दर्द है। अब आप खुद उठते हैं और पानी ले आते हैं या आप खुद बाहर निकलते हैं और होटल पर चाय पीने चले जाते हैं, क्यों? आप अपने नौकर को क्यों हुक्म नहीं दे रहे?
एक चुभन, एक दर्द पैदा कर दिया है, इसलिए आप उसको परेशान नहीं कर रहे हैं। आपके लिए मैं खुद कान में लेता हूँ, दर्द कान में, लेकिन कान के दर्द ने उसके पूरे जिस्म पर अटैक किया है, पूरे जिस्म को मुतासिर किया है, प्रभावित किया है। तो जिस तरीके से जिस्म के किसी एक हिस्से का दर्द होता है तो पूरा जिस्म दर्द से कराह उठता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही मिसाल पेश करते हैं कि मोमिन की मिसाल, मुसलमान की मिसाल ऐसी होनी चाहिए कि जब किसी एक मुसलमान को दर्द हो, किसी अज़्ज़ में दर्द होता है तो उसका पूरा जिस्म तकलीफ़ से करा उठता है। ऐसे किसी एक मुसलमान को तकलीफ़ हो तो उसका दर्द दूसरे मुसलमान को अपने अंदर महसूस होना चाहिए, और वो दर्द एक दूसरे को नहीं, पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को, पूरे माशरे को, पूरे गांव को होना चाहिए कि हमारे गांव का ये आदमी है, ये हमारा भाई है, इसके दर्द में हमें इसका काम आना चाहिए। ये इस्लामी माशरा, इस्लाम ऐसा माशरा चाहिए, ऐसा माशरा। तरल मुमिनीन फी तराहुमहिम व तवाद्दीहिम व तआतुफिहिम का मसलिल जसद। रहमो करम में, मोहब्बतो उल्फत में, एक दूसरे की हमदर्दी में मुसलमान की मिसाल तो एक जिस्म की तरह होती है। इज़्ज़तका उज़्ज़ुन, जब उसके किसी एक उज़्ज़ु को, किसी एक पार्ट को, पूरी बॉडी के किसी एक पार्ट को जब तकलीफ होती है तो तदालहु साइरु जसदिही, तो उस तकलीफ से उसके पूरे जिस्म को तकलीफ पहुंचती है। एक मुसलमान को कि अंदर तकलीफ हो और वो तकलीफ में पड़ जाए तो उससे सारे मुस्लिम सोसाइटी और समाज को तकलीफ होनी चाहिए, और उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठना चाहिए माशरे को, समाज को, जब तक उस मुसलमान भाई की तकलीफ को वो दूर न करे। हमारा माशरा ऐसा है, हमारी सोसाइटी ऐसी है, हम ऐसा कर रहे हैं। आइए एक वाक्य की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं, जबरदस्त वाक्य। पूछते भी आएंगे आपसे, देखता हूं 18 साल की तकरीरों में आपने क्या सीखा है, आपको कितनी जानकारी हुई। सबसे पहली जो इस्लामी जंग हुई थी उसका नाम था जंगे बद्र। उस जंगे बद्र के अंदर कितने काफिर मारे गए थे, एक दो मिला था। नशा करने वाली कौम बहुत जल्दी भूलती है, दीन की बात उसको जल्दी याद नहीं रहती। नशे ने हमारी अकल बांध दी है। अल्लाह ताला हमें जिसको सारी गुनाह और बुराइयों की जड़ कहा गया है वो है शराब, उससे हम सबको महसूस करो। आज टॉपिक दूसरा है, कल देखेंगे। सुनिए कितने काफिर मारे गए थे, 70, और 70 ही काफिर कैद किए गए थे। कैद नबी आप